व्हाट इज गॉड डूइंग रॉन्ग? मेरे हिसाब से कुछ भी नहीं. गॉड लाइक मुझे ऐसा नहीं लगता कि कुछ भी तुमको कमी देखने को मिल रही है. अगर तुम ऐसे ही नॉर्मली बात करो, पहला मैच ठीक ठाक बढ़िया रहा, दूसरा मैच ठीक ठाक, एक प्लेसमेंट चार फिनिशेस लेके गए, तीसरा मैच दो प्लेसमेंट लेके गए, दो फिनिश लेके गए, चौथा मैच चलो ठीक है जीरो प्लेसमेंट के साथ गए, बट तीन फिनिशेस निकाला है. तो मतलब कुछ ना कुछ तो एटलीस्ट वो निकाल के जा रहे, कुछ ना कुछ एटलीस्ट वो करके जा ही रहे. तो मेरे हिसाब से तो एक डिसेंट शुरुआत आप कह सकते हो. ऐसा भी नहीं है कि बहुत आउट ऑफ द बॉक्स खेल के गए, और ऐसा भी नहीं है कि एकदम से गया गुजरा ही खेल के गए. शुरुआत के लिए मेरे हिसाब से सही है. गॉड लाइक के लिए भी उनका मोराल काफी ज्यादा बूस्ट होगा कि इतना टाइम से नहीं जा पा रहे थे उतना अच्छा. अब शुरुआत उन्होंने अच्छी करी है, आज के दो मैचेस हैं. अगर दो मैचों में वो 25 पॉइंट निकाल के जाते हैं, कल चार मैचों में 25 निकाल के गए, आज के दो मैच में अगर वो 25 निकाल के जाते हैं, तो मैं मानता हूँ बड़े आराम से वो तुमको कहीं भी नहीं तो टॉप 3 तो फिर भी नहीं, बट टॉप 5 तो आ सकते हैं. 50 पॉइंट मुझे लगता है इनफ रहेगा आज के लिए टॉप 5 में रहने के लिए. मैच वो चाहेंगे कि उनके लिए बेहतर जाए. कल से कुछ सीखा होगा, कल जो रोटेशन थी, जो चेंजेस थे, जो ड्रॉप्स में चेंजेस थे, या फिर जो टीम की रोटेशन में चेंजेस थे, ऑब्वियसली वो सारी चीजें रीड करी होगी. अगर वो सारी चीजें रीड करी है तो फिर आज का दो मैच और 25 पॉइंट मुझे नहीं लगता कहीं गया होगा. मैं मान के चलता हूँ, मैं मान के चलता हूँ कि 25 अंक तो आज आ ही जाएंगे. कल हमने केमिन के लिए प्रेडिक्शंस करी थी कि केमिन इस वक्त कहाँ पे है, हमने बात करी थी दो मैच में भी वो आपको देखने को मिल सकते हैं यहाँ पे, और एक्चुअली में हमको देखने को मिले हैं. सो देख लो मित्रों. तो आज की जो प्रेडिक्शन रहेगी वो गॉड लाइक के लिए दो मैचेस 25 पॉइंट मैं मान के चल रहा हूँ. तुम मन ही मन गॉडल से जलता क्यों है करण भाई, तुम ये कर